नमस्कार दोस्तों, आर्टिस्ट महेश वैष्णव मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको? और कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो आप मुझे बता सकते हैं कि नहीं, आप गलत जा रहे हो, सही जा रहे हो? क्योंकि जो मेरा एक चैनल है रंजीत तंजौर आर्ट, उसमें सिर्फ पेंटिंग के ही वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें ये सारी चीज़ मिक्स करने से जो पेंटिंग के वीडियो देखना चाहते हैं वो कन्फ्यूज होंगे, तो इसलिए मैंने ये नया वीडियो बनाया है। इसमें जो भी मैं अलग कुछ भी बनाऊँ, जो जैसे आज की समस्या क्या है या और कोई बात कहना हो मुझे, आप लोगों तक पहुँचाना हो, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो आज मैं मोदी जी, अमित शाह और योगी जी, इन तीनों से कुछ कहना चाहता हूँ, खासकर मोदी जी से, कि जैसे एक सुझाव है मेरा, आज तक किसी ने दिया नहीं होगा, या हो सकता है कि भाई उनके मन में चल रहा हो, क्योंकि मोदी जी तो बहुत मतलब माइंडेड है और ये तीनों जने मिलकर बहुत देश का अच्छा कर रहे हैं। तो एक मेरा सुझाव है, अगर काम चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, उस पर मैं चाहता हूँ कि ये तो सबको पता है कि सनातन धर्म, मतलब सनातन हिंदू धर्म ही मान लो, कि हिंदू धर्म उसमें निकला है, तो सनातन धर्म लाखों करोड़ों वर्ष पुराना है। कई ये सभ्यता मतलब सबसे आर्य जो थे वो सनातन धर्म के, वो सबसे पुरानी सभ्यता है, और पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म था, पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म था, और हर जगह खुदाई में कभी किसी की मूर्ति निकल रही है, कहीं मंदिर निकल रहा है। अभी ये यहाँ तक भी, अभी 4-5-8 साल पहले सुना था कि पाताल लोक अमेरिका में है, कहीं रिसर्च के लोगों ने की थी, लोगों ने वहाँ बंदर की मूर्ति या इस तरह से, जैसे अहिरावण का राज्य था, तो पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे वर्ल्ड में हिंदू धर्म था, बाद में ये अलग अलग जातियाँ बनी। तो मेरा मोदी जी से निवेदन है कि सारे जो अभी तक साक्ष्य अभी जो बचे हुए हैं वो उनको इकट्ठा किया जाए, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, उनको हर चीज पे रिसर्च हो, और पुराणों में देखा जाए, पुराणों में, वेदों में, सब में उसको चेक किया जाए, उसके हिसाब से वो जगह कहाँ थी। जैसे जम्बूद्वीप, तो जम्बूद्वीप तो बहुत बड़ा था, ये तो भारत अभी अगर उसके मुकाबले देखा जाए तो भारत बहुत छोटा है, उसमें चीन, रूस, ईरान, इराक और अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल, भूटान, म्यांमार, सारा ये हिंदू ही राज्य था, सब दूर हिंदू ही थे। पर चलो, हमारे कहने से लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बटे हुए हैं हम लोग, तो वो नहीं मानेंगे, तो अपने मनवाना नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, पर साइंटिफिक तरीके से और तथ्यात्मक ढंग से सबूतों के साथ पूरे वर्ल्ड में ये रिसर्च किया जाए कि हिंदू धर्म कहाँ का था, कौन सा राजा कब था, उसके साक्ष्य क्या है, सारे इकट्ठे किए जाए, और सबको, सब सरकारों से, जैसे मोदी जी आपका प्रभाव तो सभी सरकारों पे है, सभी सरकारों का साथ लिया जाए। अगर आप लोग ये, आपने ये कर दिया कि पूरे वर्ल्ड में रिसर्च, हिंदू धर्म के लिए रिसर्च करना, और रिसर्च करके मैं जाता हूँ, मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं मांग करता हूँ कि उसका म्यूजियम बनाए भारत में, भारत में म्यूजियम, एक म्यूजियम बनावे साक्ष्यों के साथ। तो जो भी इसमें जैसे करेगा कि जो जो भी जाएगा जैसे उस म्यूजियम में, तो वो साक्ष्य के साथ देखेगा। आज यूथ को पता ही नहीं है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म में अभी लोगों को ये भी पता नहीं कि विश्व गुरु था भारत, विश्व गुरु था भारत। अब जो नालंदा में, तक्षशिला नालंदा में जो बहुत बड़ा वो था, कॉलेज कह दो, विश्वविद्यालय कह दो, गुरुकुल कह दो, इतना बड़ा विश्वविद्यालय था वो,
कि पूरे देश से पूरे वर्ल्ड से लोग बच्चे आते थे सीखने। ऐसा कहीं नहीं था दुनिया में, इतना बड़ा मतलब विश्वविद्यालय था, गुरुकुल था वो। तो वो इन लोगों ने जला दिया है क्योंकि हिंदू संस्कृति को दबाना चाहते हैं। अरे दबाना क्यों चाहते हैं, तुम भी तो साले इसी से संस्कृति से निकले हुए हो। पर नहीं, अपना कोई मुस्लिम है तो सोचेगा कि मुस्लिम धर्म ही ऊपर रहे, ईसाई है तो इस धर्म ही ऊपर रहे, या और भी जो समझते हैं वो भी, जबकि सारे हिंदू धर्म में से निकले हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर जो म्यूजियम होगा तो तथ्यात्मक ढंग से होगा, और तथ्यात्मक ढंग से कोई दावा भी नहीं कर सकता है क्योंकि पूरी टीम रिसर्च करेगी, एक एक साक्ष्य पे वैज्ञानिक तरीके से, पत्थर कितना टाइम पुराना था, ये मंदिर कितना पुराना था, ये जो पुराण में लिखा हुआ ये चीज है या नहीं है। वैसे देखा जाए तो रामायण महाभारत में सब में आज भी सारे साक्ष्य मौजूद है, पर अब ये सब एक जगह नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। अभी कहीं जाए तो भी वो उस जगह का पूरा विवरण हो उसमें, साइंटिफिक तरीके से कि ये जगह इस वेद में, इस ऋचा में, इस पुराण के इस श्लोक में इस जगह का वर्णन है, और ये जगह उस जगह है, और यहाँ का राजा ये था। जैसे गंधारी कहाँ की थी, तो कंधार की, तो मंदोदरी कहाँ की थी, तो दसपुर मंदसौर की। तो इस तरह से सारी चीजें कई लोगों को पता नहीं है कि कौन हमारे इतिहास में महापुरुष जो जो भी हुए हैं या भगवान जो भी हुए हैं उनका किसी को कोई पता नहीं है। तो इस तरह से म्यूजियम होने से सबको पता चलेगा, नए यूथ को पता चलेगा कि हमारा हिंदू धर्म कितना महान था, कितना पुराना था। आज हिंदू ही हिंदू को वो करता है, जैसे भ्रष्टा करता है, वो उसकी बुराई करता है कि उसको पता ही नहीं हिंदू धर्म क्या है। अगर उसको पता होगा तो वो बात भी कर सकता है। अब जैसे मान लो कोई हिंदू धर्म के हमको बोले तो हम कहेंगे कि आ जा मुझे में देख के आ जा, जब मोदी जी ने रिसर्च कराया, वैज्ञानिक ने कराया ये सबूतों के साथ में, तो कोई भी ये बोल तो सकता है हमको। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर ये बात सच है कि हिंदू धर्म से सारे धर्म निकले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इसको सभी को, सभी का रिसर्च करके, सभी ग्रंथों का रिसर्च करके और सबूतों के साथ एक सही से म्यूजियम बनना चाहिए, बहुत बड़ा म्यूजियम बनना चाहिए, और उसमें सारी चीजें समाहित होना चाहिए सबूतों के साथ। ये मेरी मांग है मोदी जी से। मैंने तो हिंदू धर्म को महान करने के लिए कर रहा हूँ, या न किसी और धर्म को नीचा करने के लिए ये मांग कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सच्चाई पक्का पता चले बस। तो दोस्तों मेरे इस विचार से आप लोग सहमत है कि नहीं, अपने कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं, और मैं इस तरह के विषय बार बार उठाता रहूंगा क्योंकि सोशल इशू तो कोई भी उठा सकता है, मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो मैं ये विषय उठा रहा हूँ और मांग करता हूँ, और इस विषय में सारे जुड़े, मैं चाहता हूँ अगर सच में इस चीज को मोदी जी तक पहुँच गई या ये वीडियो वायरल हो गया तो शायद, तो मोदी जी अगर इस पे काम करते हैं ना तो देश का बहुत भला होगा, हिंदू धर्म का भला होगा। तो मैं ही चाहता हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो अच्छा लग रहे हो तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।